सूरजपोल के विनायक मंदिर में गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें निमंत्रण दिया गया और पीले चावल भी बांटे गए। जी आपको बता दूं कि यज्ञोपवीत संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में। आयोजक राम प्रशांत शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति की परंपरा को बनाए रखने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। भगवती कृपा से हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार के लिए भी भैया ने निवेदन किया ही है। उसी क्रम में विशेषतः ये एक किशोर अवस्था के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार होता है। संस्था का प्रयास है, मंदिर का प्रयास है, मंदिर प्रयास का प्रयास है कि हमारे छोटे किशोर अवस्था के बालक अपनी वेद वाणी का विशेष रूप से मंथन और धारण करते हुए उसकी अनुशासन का गरिमा रखते हुए मुंडन करके विराजेंगे। अभी तक तो लगभग 100 से कम की तो माने मूल रूप से यज्ञोपवीत कराने वाले जो बालक हैं उनकी व्यवस्था करी जा रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य है, मंदिर का लक्ष्य है कि 250 से अधिक 251 लगभग बच्चे इस संस्कार को अपनाएं। 12 जून को गंगा दशमी के पावन पर्व पर श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में, हमारे जयपुर के आराध्य देव के मंदिर में, श्री महंत अंजन कुमार गोस्वामी जी के सानिध्य में विप्र बालकों के सहित एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है यज्ञोपवीत संस्कार का, जो कि हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार, महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको जीवित रखने के लिए हमारे ये संस्कार के निमित्त कार्यक्रम यज्ञोपवीत संस्कार हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि अंजन कुमार गोस्वामी जी के सानिध्य में किया जाएगा। और जब भी यज्ञोपवीत संस्कार या बड़ा कोई संस्कार हम करते हैं तो गणपति निमंत्रण के बिना नहीं किया जाता, तो आज उसके निमित्त हमने यहाँ पर रिद्धि सिद्धि महागणपति